दुनिया के 17 सबसे सुंदर और अद्भुत कीट और जंतुओं में आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़े और इनमें छिपी आकर्षक नकारात्मकता, रंगों और अनुकूलनों की खोज करें जो इन प्राणियों को वास्तव में अद्वितीय बनाते हैं। नंबर 1, पायरोप्स कैंडेलरिया लांटर्न फ्लाई। एक अजीब लेकिन सुंदर प्रजाति कीट है जो 2 इंच लंबा होता है और चीन और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। इसकी लंबी रोस्ट्रम या नाक, जिसे गैंडों की सींग की तरह दिखाई देती है, इसकी खासियतों में से एक है। रोस्ट्रम फल, पौधों और पेड़ों को छेदने के लिए एक औजार है जिसके माध्यम से यह रस और लोई प्राप्त करता है। इसके पंख एक उज्ज्वल तितली की तरह होते हैं। अग्रपंख हरे रंग के होते हैं जिनमें सोने के छिद्र होते हैं, जबकि पश्चिम पंख भूरे रंग के होते हैं जिनमें काले शिखर होते हैं। पंख होने के बावजूद यह उड़ान के बजाय हॉप करना पसंद करता है। जब यह हॉप करने में थक जाता है तो यह मुद्रास्पद तरीके से चलना शुरू करता है, जो एक छोटे केकड़े की तरह होता है क्योंकि यह साइडवेज में चलता है और बहुत प्यारा लगता है। नंबर 2, मोरपंखी तितली। दुनिया में सबसे सुंदर तितली प्रजातियों में से एक है। इसके रंगीन रेखाएं और पैटर्न उसके लालची रंग के पंखों पर पूरे विस्तार में होते हैं, जिनमें नीले, सफेद, लाल, पीले और बैंगनी रंगों का समावेश होता है। इन पंखों पर आँखों की तरह के चक्रदार धार भी होती हैं, जो आगाह करने के लिए एक सुरक्षा मैकेनिज्म का कार्य करती हैं। खतरे के प्रतिष्ठान को ध्यान में रखते हुए मोरपंखी तितली अपने पंख फैलाकर उड़ती है, जहां उसे बड़े प्राणियों की तरह की आँखें होती हैं। यह प्रजाति एशिया और यूरोप के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जा सकती है। इसके पंखों की सिराहना 2.5 इंच तक हो सकती है और मादा सामान्यतया समस्याओं से थोड़ा बड़ा होती है। यह विभिन्न प्रकार के भोजन का सेवन कर सकती है। नेक्टर के अलावा यह पेड़ की लोई और सड़े फलों का रस भी खींचती है। नंबर 3, सुंदर डेमोइजेल। सुंदर डेमोइजेल एक प्रकार की बड़ी डैमसेल फ्लाई है जो पूरे यूरोप में पाई जाती है। इसका शरीर का आकार 5 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है और इसकी पंखों की फैलाई लगभग 6.5 सेंटीमीटर होती है। इसके अभाविलासित पंखों का रंग लिंग के आधार पर भिन्न होता है। समुद्री गहरे नीले हरे पंखों वाले पुरुषों के होते हैं, जबकि महिलाओं के चमकदार भूरे हरे पंख होते हैं। इसके अभावी मोहक हरे रंग के शरीर का रंग प्रकाश के आधार पर बदलता है। यह नीला या नीला हरे रंग में दिख सकता है। आप इस कीट को तेज पानी के पास की जगहों पर पाएंगे। यह एक बहुत सुंदर डैमसेल फ्लाई है और वास्तव में अपने नाम के लायक है। नंबर 4, डोमिनो कॉकरोच। आपने शायद इससे भी शानदार कॉकरोच नहीं देखी होगी। यह कीट आपके पसंदीदा टाइल आधारित खेल डोमिनो के रेक्टेंगुलर ब्लॉक की तरह है। इसमें काले शरीर पर सफेद बिंदुओं की विशेषता होती है। यह कॉकरोच भारत के झाड़ीदार जंगलों में रहता है, जहां यह पत्ती के कचरे के नीचे छिपता है और सिर्फ अंधकार में खाने के लिए सामने आता है। आप इसे पालतू जानवर के रूप में रख सकते हैं क्योंकि इसे कीट नहीं माना जाता है। नंबर 5, छिपकली खच्चर। छोटी सुनहरी भूरी कीट है जिनके इल्यूट्रा पर काले बिंदु होते हैं। इनका शरीर एक तितली के आकार के लगभग होता है और उनके पास एक कवच होता है जो संरक्षण के हिसाब से कछुआ की संज्ञा रखता है। यह कवच पारदर्शी गोलाकार होता है और समतल किनारों वाला होता है। जब इनकी संरक्षा में खतरा होता है तो छिपकली खच्चर इस कवच को नीचे दबाते हैं ताकि उनकी अंगों को छिपा सकें, जिन्हें हानि से बचाकर उन्हें सुरक्षित रखते हैं। जैसे कि कछुआ अपनी कोंच में छिप जाता है, उनकी अवस्थानों पर अपने मल के साथ ही छिपकली खच्चर की कीटक अपने पीठ पर ले जाने का व्यवहार देखा गया है, ताकि वे खतरे को दूर करने के लिए एक ढाल या छाता बना सकें। यह प्रजाति उत्तरी अमेरिका में व्यापक रूप से बैठती है। नंबर 6, ऑर्किड मेंटिस। ऑर्किड मेंटिस एक सुंदर दिखने वाली प्रेइंग मेंटिस है जो 7 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। फूल की तुलना में इसकी दिखावटी समानता के कारण इसे इस नाम मिला है। इसके पिंक और सफेद शरीर होते हैं और इसकी पंजा दालों जैसे पूतल की तरह दिखती हैं। यह आमतौर पर फूलों में बस जाती है ताकि इसका शिकार या शिकारी द्वारा पहचाने जाने से बच सके। यह अपने आंधों की नकल करते हुए दौड़ती है, जिससे हवा से हिली हुई फूलों की नकल करती है। नंबर 7, पिकासो बग। पिकासो बग की रंगीनता पाब्लो पिकासो के एक चित्र की याद दिलाती है। इसका सुंदर हरी खच्चर लाल ज्यामितियों से युक्त होता है, जो कला की एक कृति की तरह दिखते हैं। अधिकांश अन्य कीटों की तुलना में इसका खच्चर, जो पंखों को ढकता है, केवल एक टुकड़ा होता है। इन कीटों का मुख्य आहार विभिन्न पौधों के रस होता है। यह उष्णकटिबंधीय और अधोष्णकटिबंधीय अफ्रीका का मूल निवासी है। नंबर 8, पैंडा एंट। इस पैंडा एंट की रंगत चीन के एक पैंडा भालू की तरह होती है। यह बिल्कुल भी एक एंट नहीं है,
बल्कि एक मच्छर है। महिला के पंख नहीं होने के कारण यह अक्सर एक एंट के रूप में गलत पहचाना जाता है। इस मच्छर का संकटक बहुत दर्दनाक होता है, जिसे इसे गाय मारने वाली की उपनाम से भी जाना जाता है। ये कीट ड्राई, रेतीले, उष्णकटिबंधीय पर्यावरण में रहने को पसंद करते हैं, जैसे चिली के रेगिस्तान। नंबर 9, कंटीली फूल मेंटिस। इस स्प्रेइंग मेंटिस की वयस्क रूप में उत्पन्न फॉर्म सफेद रंग की होती है, जिसमें नारंगी और हरे धारियां होती हैं। इसका नाम इसके पेट की कंटीली विकास से प्राप्त हुआ है। इसके दो पंखों में काले और पीले घुंघराले घुमावदार आकृतियां होती हैं, जो बड़े जानवरों की आंखों की नकल करती हैं और इस्तेमाल की जाती हैं ताकि शिकारी द्वारा डराया जा सके। जब खतरे में पड़ती है तो कंटीली फूल अपने पंख उठाती है और अपनी आंखें दिखाती है। इस प्राणी का आकार 2.5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर 1 से 2 इंच तक होता है। जब वे छोटे होते हैं तो उन्हें काली मक्खी की तरह दिखाया जाता है। ये दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका में पैदा होते हैं। नंबर 10, सेक्रोपिया मॉथ। कैटरपिलर इस प्रजाति के नवजात अवस्थित कीटाणु काले होते हैं, क्योंकि उनके शरीर पर छोटे काले बाल उगते हैं। पूरी रूप में पक चुके कैटरपिलर हरे पीले रंग के होते हैं, जिन पर पीले, लाल और नीले गांठें होती हैं, जिन पर काले कांटेदार ठोंठ होते हैं। इन्हें कई पेड़ों और छोटे पौधों के पत्तों से खाना मिलता है। वयस्क रूप में यह उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाली सबसे बड़ी मौत होती है। इसकी पंखों की स्पेन 160 मिमी 6 इंच होती है। यह लंबे समय तक जीवित नहीं रहती, लगभग 2 हफ्ते, क्योंकि इसकी पाचन प्रणाली नहीं होती है और इसे भोजन करने की क्षमता नहीं होती है। इसका एकमात्र उद्देश्य संगम करना और अंडे देना होता है। नंबर 11, अचरियोप्टेरा फैलेक्स। स्टिक कीटों की अपने आसपास के माहौल में मिलजुलने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध हैं। इस प्रजाति के अंडे को ढूंढना मुश्किल होता है, क्योंकि वे बीजों की तरह दिखते हैं। निम्फस भूरे रंग के होते हैं, लंबे और छोटे लकड़ी की तरह दिखते हैं। निम्फस 21 नीले मादा या बहुत बड़ी भूरी मादा में विकसित हो जाएंगे। दोनों लिंगों के पास उनके लंबे शरीर के अनुपात में लाल, छोटे, उड़ने की योग्यता नहीं रखने वाले पंख होते हैं। वे इसे प्राणी द्वारा डराने के लिए उसे दिखाते हैं। ये कीट मदागास्कर में ही पाई जाती हैं। नंबर 12, पलावान बर्डविंग। तितली पलावान बर्डविंग तितली एक बड़ी चमकदार रंगीन तितली है, जो केवल फिलीपींस में पाई जाती है। पुरुषों के पास काले पंख होते हैं, जिन पर इलेक्ट्रिक रे चिन्ह होते हैं, और उनका काला थोरैक्स लाल बालों से ढका होता है। विपरीत रूप से महिलाओं के पास पूरी तरह से भूरे पंख होते हैं, जिन पर सफेद चिन्ह होते हैं। इसकी जाति में केवल 2 प्रजातियां हैं। दूसरी प्रजाति राजा ब्रूक की बर्डविंग है, जिसमें पुरुषों के पंखों पर अधिक बड़े हरे चिन्ह होते हैं। दुख की बात है कि अपने आकर्षक रूप के कारण इसे अधिक संग्रह के परिणाम स्वरूप प्रमुखतः खतरे में डाला गया है। नंबर 13, ट्राइलोबाइट कीट। ट्राइलोबाइट कीट को भी नेटविंड कीट के नाम से जाना जाता है। इसके पास एक चटकने वाला अंधकारमय शरीर होता है, जिसमें कवच की तरह की आवरण होती है। इसे प्राचीन पूर्वजीवी ट्राइलोबाइट के नाम पर रखा गया है, क्योंकि मादाएं उनकी तरह दिखती हैं। यह कीट एशिया के उष्णकटिबंधीय वनों का मूल निवासी है, जिसकी सीमाएं भारत से फिलीपींस तक फैलती हैं। यह अपने समय का अधिकांश भाग पत्ती संचारी या लोगों के नीचे छिपे रहने में बिताती है। वे अलगे और कवक से नीचे वृक्ष के रस से भोज्यता करते हैं। नंबर 14, अकरागा हमाटा मोथ। कैटरपिलर यह जैसा दिखता है, वह ग्लास या मिठाई के जैसी गूंदे जानवर की तरह होता है, इसीलिए इसे डेसिलाइटेड लूग कहा जाता है। इसके शरीर की एकाधिकारी पारदर्शी जेली जैसी दिखाई देती है। कांटेदार उभारों का ताजा भाग, जो तेज नारंगी रंग का होता है, शिकारियों को चेतावनी देता है कि इन्हें खाना विषाक्त हो सकता है। यह कीट कोस्टारिका, कोलंबिया और पनामा में पाई जाती है। नंबर 15, रेनबो टिड्डी। रेनबो टिड्डी, जिसे पेंटेड टिड्डी या बार्बर पोल टिड्डी भी कहा जाता है, मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के प्रेरणा और मरुस्थलीय घासमंडलों में पाई जाती है। यह एक छोटी सी पंखहीन चमकीली टिड्डी है, जिसकी लंबाई 2 इंच से अधिक नहीं होती है। इसके शरीर में मुख्य रूप से काले रंग के साथ कुछ लाल, हरे और पीले के पैटर्न होते हैं। एकाधिकारी हमारी मोथ कैटरपिलर की तरह, इसकी रंगीनता इसे सुरक्षा प्रदान करती है, जो कि शत्रु को चेतावनी देती है कि यह विषाक्त है और खाने में आकर्षक नहीं है। नंबर 16, स्पॉटेड लांटर्न फ्लाई। यह एक तितली की तरह दिखता है, लेकिन यह सिकाडा और एफिड प्रजातियों से अधिक संबंधित होता है। इसके भूरे पूर्वी पंख पर काले तिल होते हैं और टिप्स पर चक्रवृद्धि आकार के निशान होते हैं, जो ब्रिक्स की तरह कुछ रूप में व्यवस्थित होते हैं। जब पंख फैलाए जाते हैं
तो पश्चिमी पंख दिखाई देते हैं और उन पर त्रिरंगी पैटर्न होता है जिसमें क्रिम्सन लाल रंग की पट्टियां, मध्य में सफेद और काले टिप्स होते हैं। नंबर 17 रेनबो स्कारब। रेनबो स्कारब एक डंग की बीटल की प्रजाति है जो उत्तर अमेरिका में पाई जाती है। इसका नाम इसके धात्विक अभिमुखी बहुरंगी शरीर से मिला है। दिखने में यह त्रिशीर्ष डायनासोर की तरह होता है क्योंकि इसके पास लंबी चेहरे की सींग और सिर से जुड़ी प्लेट होती है। बीटल पूरी तरह से काली होती है लेकिन सिर की ऊपरी सतह प्रोनम और इलिट्रा पीले, कांस्य और हरे रंग की होती है। रेनबो स्कारब को संग्रहकों के बीच एक प्रिय विदेशी पालतू जानवर माना जाता है क्योंकि यह आश्चर्यजनक और हानिकारक नहीं होता है। हालांकि यदि आप इसे पालतू जानवर के रूप में रखने का फैसला करते हैं तो आपको यह जानना चाहिए कि इसका मुख्य आहार स्रोत डंग होता है। हालांकि आप इसे बासी फल या बीटल जेली भी दे सकते हैं। कीटों और बग्स की दुनिया में यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। हमें आशा है कि आपको इन छोटे प्राणियों में पाए गए अद्भुत सौंदर्य और विविधता से प्रेरित और मोहित हुआ होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें।